हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं नानक मत्ता डैम, जो कि पड़ता है खटीमा में। यहां पे हम लोग करेंगे बोटिंग। तो ये देखिए, ये कुछ यहां पे टीवी एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स नानक सागर डैम। और इनके चार्जेस वगैरह ये देखिए, यहां पे 250 रुपीज़ पर पर्सन है। और अभी हम जा रहे हैं। और ये देखिए, कुछ आस पास का एरिया कुछ ऐसा है। और हमारी गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी है, एक वो वरना और उसके पीछे में स्विफ्ट है। और ये हमारा भाई भी आ रहा है, तो हम चलते हैं इन भाई लोगों के साथ में। हमने जो है यहाँ पे अपनी बुकिंग करा ली है, और इन्होंने जो है 250 रुपीज़ पर पर्सन लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी कर देते हैं लोग। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो इन्होंने जो है कि 1200 रुपीज़ में हमारे जो है 6 लोगों की बोटिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है। तो अब हम चलते हैं। और डैम के साइड जो है, अभी ये लाइव जैकेट्स वगैरह ला रहे हैं भाई लोग हमारे लिए, और हम लोग 6 लोग हैं। तो हम सीधे जा रहे हैं और बोटिंग वगैरह करते हैं, और देखते हैं कि कैसा कितना मज़ा आने वाला है, और आप भी पूरा एंजॉय करना। हाँ, तो यहाँ पे भाई जो है अभी ये पानी की बॉटल भर रहा है, और चलते हैं हम। उसके बाद में क्या पता हमें पानी की ज़रूरत पड़ जाए। और जो टाइम वगैरह ये यहाँ पे देते हैं हमको, सिर्फ 10 मिनट ये हमें देते हैं, मतलब 10 मिनट हमें घुमाएंगे आराम से, इसमें बोटिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये देखो यार, कुछ डैम का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे, काफ़ी प्यारा सा है, और काफ़ी यहाँ पे मज़ा आ जाएगा आपको, और आप भी आ सकते हो। और चार्जेस भी नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा भी ऐसा अमाउंट है नहीं। 200 रुपीज़ पर पर्सन में यहाँ पे हम लोग ज़्यादा थे, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिली है। और 1200 रुपये हमने पहले पेमेंट आपको करना होता, मैंने पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। और हम अभी चल रहे हैं सीधे, बोटिंग वगैरह करते हैं, मज़े करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और लाइफ जैकेट्स वगैरह हमने पहन लिए, और यहाँ पे भाई लोग भी सब रेडी हो चुके हैं। और चलते हैं अब सीधे बोट में और बोटिंग करते हैं। और भाई भाई भी हमारे हैं, ये दोनों भाई लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे क्या कुछ करना है बता दें। अच्छा भाई, ये तुम्हारी मतलब मोटर बोट कैसे, डीजल डालते हो उसमें, पेट्रोल से चलती है? अच्छा, हम लोग अपनी तैयारी करके यहाँ पे बैठते हैं आराम से। ये देखो एक्साइटेड है भाई भी, अपना पूरा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे धक्का मार रहे हैं पीछे से भाई, और बस अब हमारी बोट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे स्टार्टिंग बोट हो रही है पीछे। भैया तेल बचाते हुए इन्होंने भैया का इंजन स्टार्ट होने वाला है, बस इन्होंने किनारे के इतना दूर आके इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये पानी की वेव्स कुछ ऐसी सी आ रही हैं, और अच्छी अच्छी हवा लग रही है हमें, ठंडी सी बढ़िया सी हवा लग रही है। और पीछे देखो भाई, ये पानी छोड़ रहे हैं भाई, मतलब स्पीड बढ़ेगी अभी, फुल स्पीड है, फुल है तो भाई साहब फुल स्पीड है। और देखो वहाँ से यहाँ आ गए हम। अभी जब बोट घूम रही है तो हमारी, तो हमें लग रहा है कि जैसे कि ये बोट ही पलटने वाली है। तो भाई साहब ये देखो वेव्स, अब आप बस नज़ारे देखो और व्यू एंजॉय करो आप लोग भी। ये हमारा पूरा नानक सागर डैम है, ये डैम का यहाँ पे गेट वगैरह है आगे। और अभी हम जो है एक राउंड कंप्लीट करके पूरा वहाँ पे दोबारा से हमें वहीं ले जाया जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट मतलब आपको यहाँ पे जो है बोटिंग करने को मिलता है। ये आपका पेट्रोल इंजन है जो अपना दम दिखा दो है, अच्छा खासा वेट है अभी बोट में। और ये देखो भाई, फ़ोन भी आ रहे हैं, फ़ोन भी उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे सब लगे हैं कैप्चरिंग में। तो भाई ये तो आगे बैठ के सबसे ज़्यादा मज़ा ये ले रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। और वेदर देखो तो आसमान में कुछ नज़ारे हमारे ऐसे हैं, आसमान काफ़ी साफ है, बादलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे हेमंत भाई पूरे मजे ले रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं हेमंत भाई, कैसा मतलब लग रहा है? बहुत ही अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाबुलस, बड़ी अच्छा प्लेस है। हम थाईलैंड में बहुत मजे कर रहे हैं इधर, जैसा कि आपको पता है। गाइस तो यही है हमारा थाईलैंड, और आप लोग बाकी जानते हो कि हमारा थाईलैंड कहाँ पे पड़ता है। भाई साहब हमारा राउंड पूरा होने वाला है, और हमारी बोट जा रही है वहीं। भाई साहब जब बोट कभी कभी ऐसी हो जा रही है आपकी, मतलब ऐसे झूला झूल लिया आपकी बोट है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा है ऐसे पलट जाएगी।
ये पिक्चर्स क्लिक हो रही है भाई एक के बाद एक। हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है, चलते हैं आराम से उतरेंगे, आराम से एक एक कर रहे हैं वरना आपकी बोट जाएगी। भैया बताएंगे, भैया बताएंगे कौन क्या। हाँ भैया गाइस, हम लोग जो है बोट से उतर के यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपना, और जैकेट्स वगैरह हमने सारी भाई लोगों के हैंड ओवर कर दिए। बाकी आकाश भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ यहाँ पे ऑफ सीजन में अगर इतना अच्छा एक्सपीरियंस था तो फिर सीजन में आने का अलग। हाँ लेकिन गाइस ये है ना कि आपको विंटर में यहाँ पे बहुत मजा आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी तो थोड़ा है। हाँ गर्मी वगैरह तो यहाँ पे हो रही है और विंटर में आप लोग आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। गाइस राइड वगैरह एंजॉय करके हम लोग सारे जो है अब अपने घरों को जा रहे हैं, और यहाँ से भाई लोग भी जो है हम लोगों को सबको हल्द्वानी कोई कालाडूंगी से है भाई, और भाई हमारे जो है दो भाई दिल्ली से भी आए थे तो एंजॉय वगैरह तो हमने करा। और गर्मी तो है यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है ना, गर्मी तो हो रही है यहाँ पे, और जब मतलब विंटर राइड में आपको ज्यादा मजा आएगा यार मोटर राइड करने में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और या फिर आप शाम के टाइम पे भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, ऐसा कुछ टाइमिंग्स वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसी है नहीं, बस आपको जो है कि मतलब ठीक है 5 बजे से पहले तो आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। तो गाइस यार आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताइए।